डायरेक्टर जाने बाटो ये तो नहीं, फोन सुन बनाया और मेरा सारा घूमने का खर्चा फोन बनाने में चला गया यार, क्या करें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके जरूर चेक इट आउट गाइस। तो फिर मेरे साथ धरन में कुछ कांड हो गया और मुझे इमरजेंसी लौटना पड़ा घर की तरफ। तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो इन तक जरूर देखना और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, पिछले वाला वीडियो भी लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो आप लोग वो कर देना। तो फटाफट से वीडियो देखिए गाइस। ये भानु चौक है, क्लॉक टावर धरन का मेन चौक। यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, 0 पॉइंट बोल रहे थे, 0 पॉइंट से शायद लिफ्ट लेना पड़ेगा वो जाने के लिए। बुढ़ा सुबह अगर आप लोग कभी भी आओ ना तो सीधे भानु चौक बोल के या फिर क्लॉक टावर में रुक के वहाँ पर होटल भी इजीली मिल जाता है उसके इर्द गिर्द, तो वहीं पर रुक सकते हो। मैं भानु चौक के पास ही रुका था। तो फिर चलते हैं अभी सीधे ऊपर वाला रास्ते में। लोग बोल रहे थे यहाँ से बेरेटा लगभग 35 किलोमीटर होगा अपहिल वाला रास्ता, तो जाते हैं अभी बेरेटा जाने बाटे इतने नहीं। अच्छा बेरेटा जाने बाटे इतने हो, हाँ यो मुझे राइट लेना था, सीधा सीधा चला गया। तो यहाँ से अभी इधर जाऊँगा बेरेटार, बेरेटार जाने बाटे इतने बेरेटार हो जा। यार अभी बेरेटार तो नहीं पहुँचा, यहाँ से 15 किलोमीटर बोल रहे थे, तो बारिश होना शुरू हो गया यार, क्या ही करें। बारिश भी होना शुरू हो गया है, अभी रेनकोट सेनकोट फटाफट लगा लेता हूँ और चल लेता हूँ। शायद से ब्लॉग नहीं होगा, अभी सीधे ऊपर जाके दिखाऊंगा। तो फिर कैसे आज मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ, और जैसे कि आप लोग ने देख ही लिया वो बेरेटार जा रहा था और ज़्यादा बारिश होने के कारण रेनकोट सेनकोट लगा के फिर से मुझे उतरना पड़ा नीचे, क्योंकि ज़्यादा बारिश में बेरेटार नहीं जा सकती, थोड़ा अपील रास्ता था। इसलिए मैंने सोचा वो पहले जब तक बारिश हो जाता है तब तक मैं बूढ़ा सुब्बा मंदिर को दर्शन करके आ जाता हूँ करके मैं नीचे उतर गया बूढ़ा सुब्बा जाने के लिए। तो फिर गाइस वो बेरेटार जाने वाले रास्ते में पूरा बारिश हो गया, तो अभी बेरेटार नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ बूढ़ा सुब्बा। तो बहुत ऊपर जाके फिर मुझे रिटर्न होना पड़ा, क्योंकि वो ऊपर वाला रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो गया। अभी इधर उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से धरन का नज़ारा, थोड़ा बहुत धरन दिखता है यहाँ से, धरन का नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है धरन। बड़ा सुबह मंदिर इधर है गाइस, यहाँ से लेफ्ट सॉरी राइट। तो फिर यहाँ पर पानी बीतते हुए मैं बड़ा सुबह तक पहुँच गया, और बड़ा सुबह में भी आप लोग देख सकते हैं कीचड़ है, कीचड़ है चारों तरफ, और बारिश भी हो रहा है। तो यहाँ पर बाइक साइड थोड़ा किया और बड़ा सुबह एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकला था, और कांड हो गया गाइस। और जैसे कि बूढ़ा सुब्बा पहुंच गया, और वो मैंने बारिश के वजह से रेनकोट के पीछे गोजी में गोजी का वो जिपर वो लगाने पे ही नहीं था, तो उसमें वो फोन डाल दिया था। और जैसे कि मैं ये जैकेट रेनकोट उतार रहा था तो वो फोन बड़ेंगे गिर गया पानी में, ठीक है बूढ़ा सुब्बा के वहाँ, और पानी में गिर गया, स्क्रीन भी फूट गया और अंदर पानी भी चला गया, तो फोन वहीं पर डेड हो गया। और उसके बाद मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पाया। तो आप लोगों को जैसे कि पता ही है मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यार फ़ोन के बगैर तो इट्स नॉट पॉसिबल नहीं था। अंत दिन बोलना अंत त्याँ अंत आई मेड क्विक डिसीजन, लाइक या तो वहाँ पर रुकने से नहीं होता, और मैंने वो डिसीजन लिया कि यार सिलगुड़ी जाके फटाफट से फ़ोन तो बनाना ही है, क्योंकि वो अब तक का डाटा भी फ़ोन में ही, तो
तो फ़ोन के बगैर नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैंने वो बुढ़ा सुबह होके वहाँ पर वो पंचकन्या मंदिर संदिर घूम आया और मजे से एक्सप्लोर करके सुबह जैसे कि मैं 5 बजे ही निकला था तो 10 बजे तक एक्सप्लोर कर लिया और उसके बाद मैं फटाफट से डिसीजन लेके अकेले तो फ़ोन के बगैर भी उस वहाँ पर नहीं रह सकता तो फटाफट से बस में साइकिल डाल के मैं घर की तरफ निकल पड़ा गाइस। आई एम वेरी सॉरी ब्लॉग इसे इनकम्प्लीट करना पड़ा, ऐसे होगा यार क्या करें, रिग्रेट तो हो रहा है इतना दूर जाके कंप्लीट करके नहीं आया, लेकिन जब सेकंड माइलस्टोन पूरा हुआ इसका गर्व हो रहा है दिल में, तो फिर ऐसे करके मैं बस में डाल के पानटंकी तक आया और उसके बाद साइकिलिंग करते हुए सिलीगुड़ी आया। सिलीगुड़ी आते वक्त लगभग 3:30 हुआ था और वहाँ पर मैंने फ़ोन सोन बनाया और मेरा सारा घूमने का खर्चा फ़ोन बनाने में चला गया यार, क्या करें फ़ोन भी बनाना ही चाहिए, तो लगभग 8,000-9,000 फ़ोन बनाने में लग गया। और उसके बाद मैं सीधे डायरेक्ट घर में घर जा रहा हूँ अभी, सिंगदम तक गाड़ी में ही आया, रात हो गया था और भैया दिन लेने आ गए मुझे सिंगदम में, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो गाइस आई एम वेरी सॉरी ऐसे ब्लॉग इनकम्प्लीट करना पड़ा, राइट क्या करे यार, अपना ये वो भी एक वेदर का भी सपोर्ट नहीं था यार, कल भी लगभग 150 किलोमीटर मैंने बारिश में ही साइकिल चलाया था और आज भी सुबह 50 किलोमीटर मैंने वहाँ पर राइड किया बारिश में, भीग भीग के राइड किया, अभी तक अंदर ये वाला मेरा जर्सी भीगा ही हुआ है, थोड़ा पेट भी दुख रहा है ठंड की वजह से होगा शायद। तो आप लोगों से सीधे मिलता हूँ अभी घर में।